A trial court in Kota has given life sentence within 12 days to a man who raped a 5-year-old girl. The police managed to nab the culprit on the basis of a sketch within 5 days. A charge sheet was filed swiftly and the court awarded accused a life imprisonment on May 2nd. उन्होंने मस्जिद में ऐलान लगवाया मस्जिद में ऐलान लगवाने के दौरान किसी ने उसकी बालिका की रोने की आवाज सुनी होगी तो वो दो आदमी एक तो है था मतलब बूढ़ा सा आदमी जो अपने रेलवे में काम करता है और एक उनका बालक था जो दोनों लेके और थाने में लेके आए तो वहां थाने में लाने के दौरान इन्होंने पुलिस वालों ने कह दिया कि आपकी बालिका को ले जाओ तो वहां से थोड़ा सा आए वापस फिर इनके बाल बिखर रहे थे लड़की के और उसके गाल पे चाटा भी था तो उसके मामा ने बोला कि इसके तो सर ये गाल पे चाटा लग रहा तो फिर वहाँ ले गए और फिर बालिका की मम्मी ने उसके सिलेक्सी खोल के देखी ना तो उसके साथ गलत काम हुआ मिला फिर बाद में पुलिस वाले उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गए। मामला ये था कि इसने नाबालिग बच्ची थी 5 साल की उसके साथ इसने दुष्कर्म किया था उसको अपहरण करके ले गया था 18 मार्च को उसको गिरफ्तार किया और 18 अप्रैल को चालान पेश हुआ इसका और 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक इसके गवाह हुए 1 मई को बहस हुई और 2 तारीख को इसका सुनाया। मेरी तरफ से दलील दी गई थी कि साहब इसकी ना तो गिरफ्तारी प्रमाणित की गई है और ना ही स्वतंत्र गवाह बनाए गए सारे गवाह पुलिस वाले हैं और इंटरेस्टेड विटनेस हैं।